हेलो स्टूडेंट्स, आज नेशनलिज्म इन इंडिया चैप्टर के अंदर आज हम देखेंगे टू फैक्टर शेप इंडियन पॉलिटिक्स आफ्टर 1920। 1920 में अब तक हमने जो देखा कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जब महात्मा गांधी ने विड्रॉ कर लिया तो उसके बाद दो फैक्टर ऐसे हुए जिन्होंने इंडियन पॉलिटिक्स को 1920 के बाद नई शेप दी, नया आकार दिया। उसमें पहला क्या था, इफेक्ट ऑफ वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन। वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन आर्थिक मंदी, जो मंदी आ गई थी, डिप्रेशन आ गई थी इंडिया के अंदर भी, जिसका इकोनॉमिक फ्रंट पे काफी बुरा असर पड़ा। तो मंदी के अंदर मेनली क्या होता है बच्चों, जो लोगों की परचेजिंग पावर कम हो जाती है। तो इसमें क्या हुआ, एग्रीकल्चर प्राइसेस बिगेन टू फॉल इन 1926 से एग्रीकल्चर प्राइसेस जो थे, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के प्राइसेस थे, वो गिरने शुरू हो गए एंड कोलैप्स्ड आफ्टर 1920 और 1930 के बाद वो पूरी तरह से बह गए। बिल्कुल कोई कीमत फार्मर्स को उनके प्रोडक्ट्स की नहीं मिल रही थी। एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट डिक्लाइन, जो एग्रीकल्चर का एक्सपोर्ट था वो डिक्लाइन हो गया, मतलब वो खत्म हो गया। अब जब एग्रीकल्चर के प्राइसेस नहीं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स नहीं बिक रहे, उनके प्राइसेस नहीं मिल रहे, एक्सपोर्ट खत्म हो गया, तो पेजेंट्स फाउंड इट डिफिकल्ट टू सेल देयर हार्वेस्ट। अब किसानों को लिए उनकी फसल को बेचना बड़ा मुश्किल लगा एंड द पे द रेवेन्यू। अब जब उनकी फसल नहीं बिक रही है तो रेवेन्यू कहां से पे करेंगे, लगान कहां से पे करेंगे, तो इस कारण से उनके ऊपर दोहरी मार पड़ गई। सो कंट्री साइड वॉज इन टर्मोइल, कंट्री साइड विलेजर एरिया, रूरल एरिया, क्योंकि एग्रीकल्चर जो है मेन प्रोफेशन फार्मर्स का था और फार्मर्स लिव्ड इन रूरल एरिया, तो कंट्री साइड वॉज इन टर्मोइल। तो कंट्री साइड जो था, ग्रामीण एरिया जो था, वहां पूरी तरह से खलबली मच गई। इस कारण जो फार्मर्स थे उनके ऊपर इकोनॉमिक डिप्रेशन का बड़ा बुरा असर पड़ा। अब उसके बाद क्या, उसके बाद आया साइमन कमीशन। तो ये कमीशन क्या था, साइमन कमीशन, इसके बारे में देखते हैं हम। टोरी गवर्नमेंट इन ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूटेड स्टैट्यूटरी कमीशन अंडर सर जॉन साइमन। जो ब्रिटेन की गवर्नमेंट थी, टोरी गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट अपॉइंट हुई थी, उसने क्या करे, एक स्टैट्यूटरी कमीशन बनाया सर जॉन साइमन की अध्यक्षता। तो इस कमीशन का काम क्या था, द कमीशन वॉज टू लुक इन टू फंक्शनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम इन इंडिया। अब इस कमीशन ने क्या करना था, ये कमीशन इंडिया में आया, इसने इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम की जांच करनी थी, देखरेख करनी थी, भाई भारत के अंदर हमने जो संविधान बनाना है तो उसके अंदर किस किस पर कौन कौन से मुद्दे लिए जाएं और किस किस प्रकार के उसके अंदर सुधार किए जाए। लेकिन इसमें क्या बात हुई, कमीशन डिड नॉट हैव एनी सिंगल इंडियन मेंबर। कमीशन के अंदर, इस कमीशन के अंदर, साइमन कमीशन के अंदर कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था, दे वर ऑल ब्रिटिश। वो सभी कौन से मेंबर थे, ब्रिटिशर थे। अब आप संविधान बना रहे हो हिंदुस्तान का, इंडिया का, और इंडियन मेंबर उसके अंदर एक भी नहीं है, तो इस प्रकार से कैसे विश्वास किया जाएगा कि वो संविधान हमारे इंडियन पीपल की फेवर में बनेगा, और सारे मेंबर ब्रिटिशर्स हैं, और ब्रिटिशर्स की पॉलिसी उस समय लोगों को पता नहीं किस प्रकार से बड़ी ओप्रेसिव थी और दमनकारी नीति थी। तो इस कारण जो कांग्रेस लीडर्स थे या जो जनरल पब्लिक थी, उनको इस कमीशन पे विश्वास बिल्कुल नहीं हुआ। सो व्हेन साइमन कमीशन रीच्ड इन 1928, जब साइमन कमीशन 1928 में इंडिया में वापस आया, पीपल शाउटेड साइमन गो बैक। तो लोगों ने साइमन गो बैक के नारे लगाना शुरू कर दिए। जहां भी साइमन कमीशन ये गया वहां पे इसको काले झंडे दिखाए गए और इस कमीशन का पूरी तरह से विरोध किया गया। अब जब साइमन कमीशन का इतना विरोध होते हुए देखकर जो उस समय के वायसराय थे लॉर्ड इरविन, उन्होंने क्या करा, गिव एन ऑफर ऑफ डोमिनियन स्टेटस। उन्होंने क्या किया, डोमिनियन स्टेटस का ऑफर दे दिया इंडियन लीडर्स को। ऑफर देना मीन्स एक चारा फेंक दिया उन्होंने, एक तो डोमिनियन स्टेटस का एंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस टू डिस्कस फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन। और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का भाई, हम एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करेंगे। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में क्या होता है, जो गोल मेज कॉन्फ्रेंस से मीनिंग है, टेबल के चारों तरफ लीडर्स बैठ जाते हैं, रिप्रेजेंटेटिव बैठ जाते थे और आपस में वो डिस्कस करते थे। तो उन्होंने कहा हम टेबल के चारों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करेंगे और फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में देख लेते हैं, भाई आपकी क्या प्रॉब्लम है, हम आपकी प्रॉब्लम को सुन लेंगे। और एक आपको हम ये करते हैं, डोमिनियन स्टेटस दे देते हैं। डोमिनियन स्टेटस क्या होता है, इसके बारे में मैं बताना चाहता हूं। डोमिनियन स्टेटस क्या था, इंग्लैंड ने लगभग अबाउट 70 कंट्रीज के ऊपर रूल किया। अब जब 70 कंट्रीज के ऊपर रूल किया, उन्होंने क्या करा था, कुछ कंट्रीज को विशेष पावर दे रखी, डोमिनियन स्टेटस की पावर। उसमें क्या था, वो अपनी सरकार अपने आप चुन सकते थे, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण जो मुद्दे थे, जैसे कि कम्युनिकेशन का सिस्टम है या जो फॉरेन पॉलिसी है या डिफेंस की पॉलिसी है, इनके ऊपर रूल ब्रिटिश गवर्नमेंट बना सकती। मीन्स वो गवर्नमेंट जो थी वो ऑटोनोमस बॉडी तो थी,
परंतु वो ब्रिटिश के अंडर ही रहना पड़ता था, उन्हें ब्रिटिश गवर्नमेंट जैसे कहेगी उनको उसके अकॉर्डिंग ही चलना पड़ता था, उससे बाहर नहीं जा सकते थे। इसके लिए हम एग्जांपल जैसे अपने स्कूल का एग्जांपल ले सकते हैं, हमारा स्कूल एक ऑटोनोमस बॉडी है, लेकिन मेन सब टीचर्स अपनी मर्जी से रखता है, लेकिन किसके अंडर काम करता है हमारा स्कूल? सीबीएसई के अंडर। जो सीबीएसई सिलेबस इंट्रोड्यूस करेगी वही हमारे स्कूल को अडॉप्ट करना पड़ेगा। जैसे जैसे सीबीएसई एग्जाम कंडक्ट करवाएगी वैसे वैसे हमारे स्कूल को उसी डेट पे एग्जाम कंडक्ट करवाने पड़ेंगे। इट मीन सीबीएसई से बाहर हम नहीं जा सकते। सो यही बात उस समय डोमिनियन स्टेटस ब्रिटिशर्स ने कहा था, भाई आप अपनी मर्जी जो कर लो, मतलब आप जो है मंत्री वगैरह सभी आपके होंगे, गवर्नमेंट आपकी होगी, लेकिन आप हमारे अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा। ये डोमिनियन स्टेटस का मतलब था, ब्रिटिशर्स के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। बट रेडिकल्स डिड नॉट सेटिस्फाई विद दिस ऑफर। तो ये तो वायसराय लॉर्ड इरविन था, उन्होंने चारा फेंका था इंडियंस को भी, शायद इंडियंस इसके अंदर जाल बिछाए थे, शायद इंडियंस इसके अंदर फंस जाए और इनका जो स्वतंत्रता का आंदोलन है वो सारा खत्म हो जाएगा, भाई यही खत्म हो जाएगा क्योंकि डोमिनियन स्टेटस का दर्जा इनको मिल जाएगा। बट जो रेडिकल्स थे, मैं सुधारवादी नेता थे, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू या सुभाष चंद्र बोस, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था, डिड नॉट सेटिस्फाई विद दिस ऑफर। वो इस ऑफर से सेटिस्फाई नहीं है, उन्होंने कहा हमें डोमिनियन स्टेटस का ऑफर नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, उन्होंने कहा हमें तो कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। बट कुछ लीडर थे कांग्रेस में भी, लिबरल्स एंड मॉडरेट्स, जो विनम्र स्वभाव के नरम दल के नेता थे, जैसे मॉडरेट्स जो थे, हुवर प्रपोजिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम विद द फ्रेमवर्क ऑफ ब्रिटिश डोमिनियन, जो चाहते थे कि ब्रिटिश डोमिनियन के अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम बने, भाई ब्रिटिशर ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम बनाए। लोस्ट देयर इन्फ्लुएंस, उनका प्रभाव धीरे धीरे क्या होता रहा, कम होता रहा। कांग्रेस पार्टी में भी उनका प्रभाव कम होता रहा, जैसे कि मोतीलाल नेहरू जैसे लीडर्स थे, उनका प्रभाव कांग्रेस पार्टी के अंदर भी कम होता रहा और पब्लिक के अंदर भी उनका प्रभाव कम होता रहा, क्योंकि उनका उद्देश्य कंप्लीट इंडिपेंडेंस नहीं था। ये तो सिर्फ काउंसिल पॉलिटिक्स में विश्वास रखते हैं, अपनी डिमांड लिखेंगे, ब्रिटिशर्स को लिख के दे देंगे, हमारे मान लो 10 डिमांड है, एक फॉर्म भर के हमने दे दिया, 10 डिमांड एक पेज पे लिख के दे दी, ब्रिटिशर्स हमारी डिमांड को अगर पास करते रहे तो बस हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस नहीं चाहिए, इनका तो यह मकसद था। बट जो रेडिकल थे जैसे कि जवाहरलाल नेहरू जैसे जो युवा नेता आ रहे थे, तो उनका मतलब यही था, वो कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहते थे। उन्होंने कहा हमें इस तरह के डोमिनियन स्टेटस जैसे ऑफर हमें नहीं चाहिए, हमें तो कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। Then, तो क्या हुआ फिर इन दिसंबर 1929 लाहौर कांग्रेस सेशन में, जो 1929 का लाहौर में हुआ कांग्रेस का सेशन, फॉर्मलाइज डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज, वहां पे पूर्ण स्वराज की डिमांड रखी गई। उन्होंने कहा भी आज के बाद हमारा जो संघर्ष होगा वो पूर्ण स्वराज के लिए होगा, कंप्लीट इंडिपेंडेंस के लिए होगा। Then it was declared that 26 जनवरी 1930 would be celebrated as the इंडिपेंडेंस डे। उसमें ये दिसंबर में 1929 के सेशन में डिसाइड किया गया कि 26 जनवरी 1930 को इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाया जाएगा, और उस दिन के बाद से हर साल 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाया जाने लगा। और एक चीज और मैं यहां बताना चाहता हूं आपको बच्चों, जो 26 जनवरी डेट है, हर साल इससे पहले बिफोर 1947 से पहले हर साल इस डेट को इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता, और इस डेट को इंपोर्टेंस देने के लिए ही 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू किया गया। क्योंकि वैसे तो हमारा संविधान 9 दिसंबर 1946 को बनना शुरू हुआ था, 26 नवंबर 1949 को बनके तैयार हो गया था। जब 26 नवंबर 1949 को बनके तैयार हो गया हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, तो हम 27 नवंबर को भी तो उसको लागू कर सकते थे या दिसंबर में भी लागू कर सकते थे, लेकिन जो कांग्रेस लीडर थे उन्होंने 26 जनवरी तक का वेट किया। वो इसलिए वेट किया ताकि इस डेट को महत्व दिया जाए, तो उन्होंने संविधान को 26 जनवरी को लागू किया, 26 जनवरी 1950 को लागू किया। तो उस दिन से हम अपना रिपब्लिक डे मनाते हैं इस दिन, क्योंकि ब्रिटिशर्स तो जब 15 अगस्त को जा रहे थे उनको ये थोड़ी कहा जाता है आप 26 जनवरी तक रुक जाओ, हमें इस डेट को इंपोर्टेंस देनी है, तो हम इस डेट को क्योंकि इंडिपेंडेंस डे मनाते आप तब तक रुक जाओ, वो तो चले गए 15 अगस्त को, तो 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे हो गया, तो 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाया जाता है। इसका 26 जनवरी को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया गया। सो गांधी जी डिसाइड टू रिलेट दिस एब्स्ट्रैक्ट आइडिया ऑफ फ्रीडम टू द इश्यूज ऑफ एवरीडे लाइफ ऑफ पीपल। इसीलिए गांधी जी ने डिसाइड किया कि जो फ्रीडम का ये आइडिया है ना, कंप्लीट फ्रीडम का आइडिया, इसको लोगों के एवरीडे इश्यूज है जो उनसे जोड़ा जाए, ताकि अगर इसको लोगों के एवरीडे रोजमर्रा की जो जरूरतों की चीजें हैं तो उनके साथ इसको जोड़ा जाएगा, रोजमर्रा की जिंदगी के साथ जोड़ा जाएगा, तो लोग इसके अंदर ज्यादा पार्टिसिपेट करेंगे। तो इसके लिए उन्होंने एक आंदोलन आगे चलाया,
वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे उन्होंने कौन सा आंदोलन किया। थैंक यू।